नमस्कार, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आपका स्वागत है। हम IGIMS परिवार की ओर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ की पहली इमारत बाह्य रोग विभाग है। मरीज कृपया करके यहां अपना पंजीकरण करवा लें। अगर मरीज की हालत अति गंभीर है तो संस्थान में प्रवेश के साथ ही बाह्य रोग विभाग के ठीक पहले दाहिनी तरफ से जाने पर आपातकालीन सुविधा केंद्र स्थापित है, जहां गंभीर मरीजों का तत्काल उपचार किया जाता है। OPD यानी बाह्य रोग विभाग के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ पंजीकरण काउंटर है, जिनमें काउंटर नंबर 1, 2 और 3 रिपोर्ट वितरण काउंटर है। जिन मरीजों को अपनी रिपोर्ट लेनी हो वो इन काउंटर पर जाएं और कतार में खड़े होकर धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करें। पुराने पंजीकृत मरीज कृपया काउंटर नंबर 4, 5 और 6 पर लगें, जिसमें काउंटर नंबर 6 विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षित है। नए मरीजों के पंजीकरण की सुविधा काउंटर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 पर उपलब्ध है। नए मरीज कृपया करके इन काउंटरों पर लगकर अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। संस्थान के कर्मचारियों से अनुरोध है कि 13 नंबर काउंटर पर पंजीकरण करवाने हेतु पंक्ति में लगकर इंतजार करें। पंजीकृत होने के बाद सभी मरीजगण OPD वार्ड की तरफ प्रस्थान करें। OPD वार्ड पंजीकरण कक्ष में प्रवेश के साथ सामने की ओर से प्रथम द्वार है। OPD कक्ष में पहुंचने पर कृपया करके अपनी रसीद में दिए हुए कक्ष संख्या के सामने जाकर अपनी बारी का इंतजार करें। हर कक्ष रोग के अनुसार विभाजित है तथा उसी रोग के विशेषज्ञ उसी निम्नांकित कक्ष में मिलेंगे। OPD कक्ष में प्रवेश करते समय आपको कमरों की कतार मिलेगी, जिसमें बाईं तरफ कमरा नंबर 1 से 11 है। कमरा नंबर 1 और 8 यूरोलॉजी यानी मूत्र संबंधी रोगों के लिए है। कमरा नंबर 2 और 7 गैस्ट्रो यानी वायु संबंधी रोगों के लिए है। कमरा नंबर 3 और 6 GI सर्जरी यानी गैस्ट्रो सर्जरी के रोगों के लिए है। कमरा नंबर 4 और 5 नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। कमरा नंबर 9 यानी ऑर्थोपेडिक चिकित्सा की सुविधा है। कमरा नंबर 10 में ECG की सुविधा उपलब्ध है। 11 नंबर कमरे में नर्सें एवं सिस्टर्स हैं, जो आपकी हर सहायता करने को उपलब्ध हैं। OPD कक्ष में प्रवेश के साथ दाहिनी तरफ जाने पर कमरा नंबर 12 से 24 है, जिसमें कमरा नंबर 12 रेडियोलॉजी या एक्सरे से संबंधित है। कमरा नंबर 12A में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। कमरा नंबर 17 में हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ मिलेंगे। कमरा नंबर 18-19 डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन का है। कमरा नंबर 20 पेडियाट्रिक सर्जरी का है। कमरा नंबर 21 पेडियाट्रिक OPD का है। कमरा नंबर 22 छाती, दमा एवं श्वास और खर्राटा रोग विशेषज्ञ का है। कमरा नंबर 23 इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण क्लिनिक है। कमरा नंबर 23 के ठीक बगल की सीढ़ियों से ऊपर जाने पर कमरा नंबर 119
मानसिक रोग, 120 चर्म रोग, 121 यौन संक्रमण रोग तथा 122 दंत चिकित्सा के लिए है। मरीजगण अपने सुविधानुसार यहाँ चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। पंजीकरण हॉल से सीधे निकलकर ओपीडी कक्ष होते हुए सामने के दूसरे दरवाजे से निकलकर मरीजगण बिल्डिंग के गलियारे नुमा भाग में पहुंचेंगे, जहां थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें अपनी दाहिनी तरफ स्थित कमरे में ईएनटी यानी आंख नाक तथा गला रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। गलियारे से ठीक प्रथम दाहिने मोड़ से जाने पर आंख, कैंसर तथा न्यूरोसाइंस के ओपीडी मिलेंगे। आंख, कैंसर तथा न्यूरोसाइंस के ओपीडी के प्रमुख द्वार में प्रवेश करते ही भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर ही बाईं ओर कैंसर विभाग मिलेगा, जिसमें कीमोथेरेपी, कैंसर ओपीडी तथा सामने की ओर जाते गलियारे में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग है। कैंसर वार्ड के ठीक बाईं तरफ न्यूरोसाइंस ओपीडी है। मरीजगण अपने रसीद लेकर यहां चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। इससे थोड़ा आगे चलने पर बाईं तरफ पार्किंग में निकलने का द्वार है, जिससे निकलकर बाईं तरफ थोड़ी दूर ओबीएस तथा गायनोकोलॉजी यानी स्त्री रोग विभाग है। कैंसर और न्यूरोलॉजी ओपीडी के पास प्रथम तल पर जाने की सीढ़ियां हैं, जिससे होकर हम नेत्र रोग विभाग यानी ऑप्थाल्मोलॉजी ओपीडी पहुंच सकते हैं। प्रथम तल पर ही नेत्र रोग विभाग के ठीक दाहिनी तरफ फिजियोथेरेपी यूनिट स्थित है। नेत्र रोग विभाग के ऊपर द्वितीय तल यानी सेकेंड फ्लोर पर बाईं ओर जाने पर मूत्र रोग विभाग मिलता है। द्वितीय तल पर मूत्र रोग विभाग के ठीक दाहिनी तरफ नस रोग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है। मरीज गणों से अनुरोध है कि ओपीडी डिपार्टमेंट में चिकित्सकीय परामर्श के बाद अगर आपको कोई जांच करवाना लिखा गया है तो कृपया करके बाह्य रोग विभाग के आगे वाली बिल्डिंग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में प्रवेश करते ही आपको दाहिनी तरफ काउंटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 मिलेंगे, जिनमें आप लगकर अपने चिकित्सक द्वारा दिए हुए पुर्जे को दिखाकर रोगों की जांच के लिए रसीद कटवा सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए कृपया काउंटर नंबर 29 पर लगें। रसीद कटवाने के बाद जांच के लिए मरीज गणों से अनुरोध है कि अपने सामने के द्वार से बढ़ते हुए गलियारे से बाईं ओर जाने पर आपको डायग्नोस्टिक ब्लॉक मिलेगा। यहां रेडियो डायग्नोस्टिक, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंक तथा सीएसएसडी की सुविधा मिलती है। जिन मरीज गणों को अपने खून की जांच करवानी हो, वो कृपया डायग्नोस्टिक ब्लॉक के अंत में कमरा नंबर 100 में जाकर अपना नामांकन करवा लें। जिन मरीज गणों को संस्थान में भर्ती होना है, वो कैश काउंटर 29 पर जाकर पर्ची कटवा लें तथा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ठीक आगे स्थित वार्ड ब्लॉक में चले जाएं। इस ब्लॉक में मरीज गण भर्ती होकर उचित स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर संस्थान में किसी तरह की असुविधा या समस्या आती हो तो मरीज गण कृपया करके इन नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।